हेलो किडोस, वेलकम टू हिंदी सीबीएसई क्लासरूम। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन नेक्स्ट टू इट टू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑन द कैप्शंस ऑप्शन सो दैट यू विल गेट इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। एंड आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट फॉर ऑल द क्लासेस सेपरेटली, सो वॉच देयर टू सी ऑल द लेसन्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। So today we are going to learn class 2, chapter 1, Oont Chala. The Camel Walked. This is a poem about a camel. So let's start. Oont Chala bhai, Oont Chala. Camel walked, oh camel walked. Hilta dhulta, Oont Chala. Hilta dhulta means shaking his whole body. Shaking his body, the camel walked. इतना ऊंचा ऊंट चला, कैमल वॉक्ड सो हाई। बिकॉज द कैमल इज सो टॉल, द पोएट इज सेइंग ही वॉक्ड सो हाई। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, कैमल वॉक्ड ओ कैमल वॉक्ड। ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ। गर्दन मीन्स नेक, पीठ मीन्स बैक, बिकॉज ही इज हैविंग अ हम्प। सो ऊंची ऊंची हाई, हाई नेक एंड His high bump, hump. पीठ उठाए ऊंट चला, holding his back or hump, the camel walked. बालू है तो होने दो, बालू means sand. If sand is there, let it be. बोझ ऊंट को ढोने दो, बोझ means the load, heavy load. ढोना मीन्स लेट इट कैरी। सो बोझ ऊंट को ढोने दो, लेट द कैमल कैरी द लोड। नहीं फंसेगा भालू में, फंसेगा मीन्स स्टक, भालू मीन्स सैंड। इट वोंट गेट स्टक इन द सैंड। भालू में भी ऊंट चला, इन द सैंड ऑल्सो कैमल इज वॉकिंग। जब थक कर बैठेगा ऊंट, थक कर मीन्स गेटिंग टायर्ड, बैठेगा सिट। व्हेन द कैमल विल सिट डाउन आफ्टर गेटिंग टायर्ड, किस करवट बैठेगा ऊंट। करवट मीन्स डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन विल द कैमल सिट। बता सकेगा कौन भला, कैन एनीवन टेल दैट। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, कैमल वॉक्ड ओ कैमल वॉक्ड। Hope you understood the poem. Thank you for watching and subscribe to my channel.